अपने संघ के कार्य के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। 1925 की विजयादशमी से 26 की विजयादशमी तक हम इस उपलक्ष्य में कुछ योजनाएं लेकर काम करने वाले हैं। 100 साल से चला हुआ अपना कार्य है, इसलिए दीर्घ अनुभव के आधार पर उसकी एक निश्चित कार्य पद्धति हो गई है। जो पुराने लोग हैं वो उस कार्य पद्धति में प्रशिक्षित हुए हैं, उनके स्वभावगत वो कार्य पद्धति हो गई है और इसलिए वो चलती रहती है। नए लोग आते हैं उनके लिए एक तैयार सा मॉडल है, कुछ नया करना नहीं है, उसमें मिल जाना है, उसमें लग जाना है, इसलिए बड़ी आसानी है। पद्धति खोजनी नहीं है, पद्धति निश्चित है, अनुभव सिद्ध है और प्रमाण यानी उसके जो परिणाम है परिणाम सिद्ध भी है। परंतु ऐसा जब दीर्घ काल तक एक ही पद्धति लेकर हम काम करते रहते, करना तो आवश्यक है लेकिन करते करते शरीर मन बुद्धि को आदत हो जाती है, ये अच्छी बात है क्योंकि आदत के कारण पूर्ण कार्य क्षमता के साथ पद्धति का निर्वाह होता है और पद्धति का निर्वाह ठीक से होता है तो परिणाम ठीक से मिलते हैं। परंतु फिर शरीर मन बुद्धि आदत से काम करने लगती है, विचार से काम करना धीरे धीरे बंद हो जाता है, फिर गड़बड़ होती है क्योंकि कार्य पद्धति में कार्य जो होता है उसके लिए कुछ कार्यक्रम होते हैं, कार्यक्रम करने से ही उसमें से कार्य निकलता है। परंतु कार्यक्रम कार्य नहीं होते, आदत लगने से कार्यक्रम तो उत्तम होते हैं परंतु सोच के न करने से कार्यक्रमों में से कार्य का परिणाम नहीं निकलता, ऐसी स्थिति होती। नदी में बहुत सारे पत्थर थे, एक गांव के पास की नदी सूख जाती थी, बरसाती नदी थी। वहां बैठकर एक आदमी रो रहा था तो वहां से महात्मा निकल रहे थे। उस आदमी को पूछा, भैया क्यों रो रहे हो? उसने कहा, क्या करें महाराज जी, पैसा नहीं है, बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं है, घर में सब रो रहे हैं भूख के मारे, मैं उनको खिला नहीं सकता, मुझे वो देखा नहीं जाता और मर भी नहीं सकता क्योंकि उतना धैर्य नहीं है, तो रोने के सिवा मेरे हाथ में क्या है। तो महात्मा जी ने कहा, भाई रोते क्यों हो, ये नदी? तो बोले, भाई नदी के किनारे ही तो रो रहा हूं, इसमें भी पानी नहीं है, कम से कम डूब के मर जाता है। अब ऐसी बात नहीं, इसमें पत्थर ही पत्थर है लेकिन उसमें एक पत्थर पारस का है, वो ढूंढ लो। पारस का पत्थर वो होता है जो लोहे से लग जाए तो लोहा सोना बन जाता है, तो एक पत्थर ढूंढ लो, तुम्हारा दारिद्र दूर हो जाएगा। इसको बड़ा आनंद होगा कि चलो उपाय मिल गया, महात्मा जी ने बताया है तो अविश्वास का तो कोई कारण नहीं। इसलिए घर में जाके लोहे की सींग लेके आया, नदी के पाट में खड़ा हो गया और एक एक पत्थर उठाना, लोहे की सींग को लगाना, देखना हुआ कि नहीं, नहीं हुआ फेंकना, दूसरा उठाना, ऐसा उसका शुरू हो गया। उठाओ, लगाओ, देखो, फेंको, लाखों करोड़ों पत्थर होंगे नदी में, एक ढूंढना है तो 1,000, 2,000, 10,000 मालूम नहीं कितने हजार पत्थर उठाना, लगाना, देखना, फेंकना, यही चला तो आदत हो गई। परिश्रम भी भूल गया, धूप भी भूल गया, पसीना से तर था, कोई भान नहीं, बस एक ही धुन, उठाओ लगाओ देखो फेंको, उठाओ लगाओ देखो फेंको। अब कभी उसके हाथ में वो पत्थर आ गया, उसने उठाया, लगाया, देखा, वो तो सोने की बन गई थी सीख, लेकिन विचार बंद हो गया था, आदत से काम हो रहा था, इसलिए उठाओ लगाओ देखो के बाद फेंको का नंबर आता है, तो उसने वो पत्थर फेंक दिया, दूसरा उठाया, चलते रहा उठाओ लगाओ देखो। बीच में एक बार ठोकर लगी, गिर गया,
तो एकदम सोचा उसने क्या कर रहा है। अच्छा वो पत्थर देखता है तो सीख सोने की बन गई। वो कहां से पत्थर उठाया यार, कहां फेंक दिया, कुछ पत्थर नहीं। इतना सारा परिश्रम, पानी में भी नहीं गए थे, नदी में पानी ही नहीं था, व्यर्थ हो गया। ऐसे दीर्घ काल तक हम काम करते हैं तो उसके पीछे विचार क्या है, ये हमको स्पष्ट समझ लेना चाहिए। और अपने कृति के पीछे सदैव वह सोच जागृत रहनी चाहिए। इसलिए थोड़ा इसी का चिंतन करेंगे कि जिस संघ के 100वें साल में उसके कार्य का पदार्पण हो रहा है, वो संघ क्यों है, क्या है। तो हम जानते हैं कि हमारी प्रार्थना में हम कहते हैं, विजयत्री चन संहता कार्य शक्ति विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम समर्था भवतु। शाखा में ये जो सब हम करते हैं, छोटे सीधे साधे सरल कार्यक्रम रोज आके नियमित करते हैं, 100 साल से कर रहे हैं, बहुत ज्यादा परिवर्तन भी उसमें नहीं होता, थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन निष्ठा पूर्वक श्रद्धा पूर्वक उन्हीं कार्यक्रमों को रोज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? समर्थ होने के लिए। क्या सामर्थ्य चाहिए? परम वैभव नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम, हमारे इस राष्ट्र को। हमने प्रार्थना में ही कहा है ये हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि हिंदू समाज इसका उत्तरदायी है। इस राष्ट्र का अच्छा होता है तो हिंदू समाज की कीर्ति बढ़ती है, इस राष्ट्र का कुछ गड़बड़ होता है तो दोष तो हिंदू समाज पर आता है, क्योंकि वही इस देश का कर्ता धर्ता पालनहार है। और इसलिए यह हिंदू राष्ट्र है। तो उस अपने राष्ट्र को परम वैभव संपन्न बनाने के लिए समर्थ होना है। परम वैभव संपन्न बनाने का काम कैसा करेंगे? खूब भक्ति करेंगे, भगवान का अवतार होगा और वो हिंदुस्तान को ठीक कर देगा, ये नहीं है अपनी कल्पना। वो तो भगवान की इच्छा, तब जो होना है होगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि भगवान की राह क्यों देखें, भगवान जब आएंगे आएंगे, हम अपना पुरुषार्थ करें। और इसलिए इस राष्ट्र को परम वैभव संपन्न बनाने का काम हमको करना है, हमें सामर्थ्य संपन्न बनना है। लेकिन हम सबको ऐसा होना चाहिए, एक आदमी का ये काम नहीं है, एक संगठन का भी ये काम नहीं है, पूरे समाज को योग्य बनना पड़ेगा। संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित हमको करना है, क्योंकि पूरा समाज जब किसी बात के लिए खड़ा हो जाता है तो उसको जीत सके या उसको परास्त कर सके ऐसी कोई शक्ति नहीं होती। ये काम है, वो सीधे सरल रास्ते से, हम तो सीधे सरल रास्ते से ही चलेंगे, लेकिन इसमें बाधा लाने वाले बहुत लोग हैं। हम जानते हैं परिस्थिति, हम सब देख रहे हैं, बहुत उसका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं, आपको डराने की भी आवश्यकता नहीं। हम डरते नहीं है, ये परिस्थितियां है, हम जानते हैं कौन क्या कर रहे हैं, कैसा हो रहा है, ठंडे दिमाग से उसका हिसाब करते हैं और उसमें जो हमको करना है वो हम कर रहे हैं। और इसलिए हमें संपूर्ण समाज की शक्ति को खड़ा करना है, क्योंकि पूरा समाज खड़ा होता है तो इन बाधाओं के बावजूद हम अपने कार्य को यशस्वी करेंगे। एक संगठन के नाते अकेले हो जाएंगे तो नहीं होगा, कोई महापुरुष पर हम अवलंबित रहेंगे तो नहीं होगा। महापुरुष बहुत हो गए अपने देश में आज तक, फिर भी हम इस हालत में क्यों हैं? तो राष्ट्र का परम वैभव ये पूरे समाज की योग्यता पर निर्भर करता है। जो जो महापुरुष आए, अवतार आए, विचार देने वाले लोग आए, उन्होंने स्वयं तो काम किया ही, लेकिन उन्होंने समाज को योग्य बनाने के लिए नए विचार दिए। उसको समाज ने जितने प्रमाण में ग्रहण किया उतने प्रमाण में सफलता मिली, इतिहास देखेंगे हमारे ध्यान में आए। और इसलिए हम कहते हैं विजयत्री चना संहता कार्य शक्ति, हमारी हमारी यानी हमारे पूरे समाज की संगठित कार्य शक्ति के आधार पर। आज हमारा विरोध करने वाले लोग भी थोड़े बहुत होंगे, लेकिन उनको भी, क्योंकि हमारा समाज है पूरा, आज ना कल उनको भी इसमें सम्मिलित करना है, संगठित करना है।
समाज में अलग प्रभावी गुट हम नहीं बना रहे, पूरे समाज को ही ऐसा बनाएंगे। और ये करते समय अंग्रेजी में कहते हैं बाय हुक और क्रूक, यह कहावत चलती है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ऐसा हमारा विचार नहीं है। बाय हुक और क्रूक नहीं, धर्म का संरक्षण करते हुए, एवरीथिंग इज नॉट फेयर इन लव एंड वॉर, फेयर इज ऑलवेज फेयर। और इसलिए हम जो काम करेंगे वो काम करने में जो हमारा धर्म है वो सुरक्षित रहे। हमारा धर्म जिसको हिंदू धर्म कहते हैं वास्तव में मानव धर्म है, विश्व धर्म है, सबके कल्याण की कामना लेकर चलता है, सर्वेपि सुखिनः सन्तु ऐसा कहता है। और उसके लिए स्वयं को जैसा होना चाहिए वैसा होता है, मनुष्य को जैसा होना चाहिए, समाज को जैसा होना चाहिए, समाज को सृष्टि के साथ जैसा बरतना चाहिए, ये सारा देख के चलने वाला हमारा धर्म है, वो विश्व धर्म है। वो धर्म पूजा पाती और खान पान इसमें लटका नहीं है, ये सब अलग अलग होते हैं हम जानते हैं, लेकिन इन सबको स्वीकार करते हुए हम चलते हैं। हम सर्व समावेशक है, हम सबको अपना मानने वाले हैं, वसुधैव कुटुंबकम मानने वाले हैं, विश्वम भवति एकम नीडम ऐसा कहने वाले हैं, सारा विश्व एक पूरा घर परिवार बने ऐसा चाहने वाले लोग हैं। उस धर्म का संरक्षण करते हुए हमारी संवर्ग कार्य शक्ति जो विजेत्री है, जो कभी पराजित नहीं होगी, हमेशा विजयी होगी, उसके आधार पर अपने राष्ट्र को परम वैभव संपन्न बनाएगी। ये संकल्प लेके हम शाखाएं चलाते, ये संकल्प लेके हम संघ खड़ा करेंगे। उस संघ में प्रत्येक स्वयंसेवक का संकल्प होता है, वो प्रतिज्ञा में वो कहता है अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति व हिंदू समाज का संरक्षण कर हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति करने के लिए मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घटक बनाऊं। सब प्रत्येक स्वयंसेवक के मन में ये संकल्प रहता है, इसलिए हम संघ का काम कर रहे हैं। आज हम संघ के नाते एक अलग संगठन देश में दिखता है, लेकिन इस संघ को हमको समाजव्यापी बनाना है, पूरे समाज को ही संघ बनाना है, संघ को समाज बनाना है। इसका मतलब संघ में जो जो अच्छी बातें संस्कार है वो लेके हमको समाज में जाना है, उनको ये संस्कार देने हैं, पूरे समाज में यही संस्कार व्याप्त हो। विचार कुछ भी रहे, विचारधाराएं अलग अलग हो सकती है, लेकिन प्रामाणिकता, देशभक्ति, अनुशासन, सामूहिकता आदि आदि जो सारी बातें संघ कार्य में हम सीखते हैं, अपने स्व के गौरव को सीखते हैं, ये सब समाज में लेके जाना है। समाज में इसको हमको प्रवर्तित करना है, पूरे समाज को ऐसा बनाना है। और इसलिए करना क्या है, संरक्षण करना है। संरक्षण कैसे होता है, एक तो बात साफ है, सबको समझ में आती है कि संरक्षण करना है यानी कोई आक्रमण हो रहा है, तो आक्रमण हो रहा है तो उसका प्रतिकार करना, उससे लड़ना, उसको परास्त करना, कुछ खोया है तो वापस ले दो, जो अपना है वो अपना है। परंतु ये भी प्रतिकार कैसे होता है, और केवल इससे होता है क्या? हमारे देश में आक्रमणों का ताता लगा, शक हूण कुषाण यवन, उसके बाद इस्लाम, उसके बाद ईसाइयत, यूरोप, इनका आक्रमण हुआ, हर बार हमने प्रतिकार किया, सबको परास्त किया, परंतु बार बार आक्रमण क्यों हुआ और बार बार हम परास्त क्यों हुए? और अगर हुए हैं और वैसे ही रहे तो आगे भी ऐसा नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी? और इसलिए हम सोचते हैं कि प्रतिकार जो होता है वो एक अंग है, छोटा अंग है, लेकिन प्रतिकार करने वालों की क्षमता, जिस बात के लिए वो प्रतिकार कर रहे हैं उस बात का उनमें होना,
ये महत्व की बात है। केरल में एक लोक कथा चलती है, एक राजा था, उसका एक पुत्र था, उसका नाम उदयनंद। तो राजा ने उसको भेजा गुरुग्रह में, प्रजा की रक्षा करनी है तो युद्ध विद्या सीख के आओ। तो आचार्य परशुराम जी की युद्ध विद्या सिखाने वाले 21 आचार्यों का गुरुकुल था वहां पे, 20 आचार्य एक प्रधानाचार्य, उसमें वो गया। बहुत सुशील सुलक्षणी सद्गुणी था, प्रजा की सेवा करने की इच्छा थी, माता पिता का आज्ञाकारी था, इसलिए मन लगाकर बहुत अभ्यास करके 12 वर्ष में जितना सिखाया सब उसने आत्मसात किया। और 12 वर्ष के बाद परीक्षा की घड़ी आई तो मैदान में पहुंचा, प्रधानाचार्य को आगे करके 20 आचार्य बैठे थे, आ गया उनके सामने, शस्त्र अस्त्र लेकर नमस्ते किया, नमस्कार किया और कहा कि गुरुजी मैं तैयार हुआ, मेरी परीक्षा लीजिए। तो प्रधानाचार्य ने पूछा, अच्छा तुम्हारी परीक्षा लेते हैं लेकिन बताओ 12 साल में तुम कितना सीखे। उसने कहा कि महाराज आपकी कृपा से मैं जो सीखा हूं, मैं 10,000 लोगों से अकेला लड़ सकता। तो प्रधानाचार्य कहा ऐसा करते हैं, तुम कल फिर से आओ, थोड़ा सोच के आओ, अच्छा है तुम इतना सीखे हो, परीक्षा लेंगे हम, थोड़ा सोच के कल आना, कल लेंगे परीक्षा। तो इसको ध्यान में आया कि कल बुलाया यानी आज फेल हो गए, तो कहां गड़बड़ हो गई, सोचता रहा रात भर। तो उसको ध्यान में आया, दूसरे दिन पहुंचा और वही प्रश्न किया कि बताओ आप कितना सीखे हो। तो कहा गुरु जी कल मैंने गलती की, और 10,000 लोगों से क्या लड़ना, 10,000 लोगों से अकेला आदमी कैसे लड़ेगा और 10,000 लोग एक से कैसे लड़ेंगे, चारों ओर से घेरा डाल के भी 10,000 आदमी अगर भिड़ जाएंगे एक पर तो 10,000 लोगों के मार तो उस तक नहीं पहुंचता, तो आपस में ही टकरा जाएंगे। हम लोग जानते हैं तृतीय वर्ष तक हम शिक्षा लेते हैं तो युद्ध विद्या में आखिरी होता है 1:27, क्योंकि सबसे अंदर का जो घेरा है वही मार सकता है और घेरा अधिक से अधिक 27 लोगों का हो सकता है, इससे ज्यादा हो नहीं सकता। तो उसने कहा कि मैं कल गलती कर गया, अंदर के घेरे से ही मुझे लड़ना है तो मैं 27 लोगों से लड़ सकता हूं। तो प्रधानाचार्य ने कहा कि बहुत तुम सही दिशा में सोचे हो, और थोड़ा और सोचो कल आओ। अब क्या हुआ भाई, अब क्या गलती हुई, फिर से रात भर सोचा। तो उसको ध्यान में आया, दूसरे दिन गया फिर पूछा भाई, उन्होंने कहा गुरु जी जरा अहंकार में कल ज्यादा बोल गया, क्षमा करना। वास्तविक ऐसा है कि 27 लोग भी हैं तो भी लड़ना तो एक समय एक से ही पड़ता है, शास्त्र ही ऐसा है, 27 लोग एक साथ लड़ेंगे एक से तो एक की तो चटनी हो जाएगी। तो उसका ये काम है कि एक का मार रोको, दूसरे को धौस बताओ, तीसरे को पीट के चौथे के पीछे से बाहर चले जाओ घेरे के, और उसके बाद कभी एक से ज्यादा लोगों को सामने नहीं पड़ने जाओ। तो इसलिए लड़ना तो एक से ही पड़ता है, मैं एक से लड़ना बहुत अधिक अच्छी तरह जानता है। तो गुरु ने कहा बस तुम अब पहुंचने वाले हो सही जगह, वहां पहुंच जाओ और कला। तो अब क्या गड़बड़ हुई, दूसरे दिन विचार करके पहुंचा, फिर कहा कि गुरु जी क्षमा कीजिए, मैं बहुत ही ज्यादा अहंकारी हो गया था, उसके कारण मेरे ध्यान में बात आ गई, आपने पूछा कितने लोगों से लड़ सकते हो, तो मैं तो आपने तो किसी से लड़ने के लिए मुझे विद्या नहीं दी है, क्योंकि झगड़ालू आदमी नहीं हूं, मेरा स्वभाव झगड़ालू नहीं है, दुनिया में मेरा कोई शत्रु नहीं है, तो मैं क्यों किसी से लड़ूंगा, मैं किसी से नहीं लड़ूंगा, मैं किसी से लड़ नहीं सकता, मेरा स्वभाव ही नहीं है दुश्मनी करने का, तिरस्कार करने का, द्वेष पालने का। लेकिन अब दुनिया सब ऐसी नहीं है, दुनिया में दुष्ट लोग हैं, वो लोभ लालच में किसी खराब इरादे से मेरे पर मेरी प्रजा पर आक्रमण करेंगे तो उनसे मैं अपने आप को और अपनी प्रजा को बचा सकता हूं, इतना मैं सिखाऊंगा। तो गुरु ने कहा बस ठीक हो गया, तुम कैसे लड़ते हो वो तो हम देख रहे 12 साल से, उसकी परीक्षा लेने की आवश्यकता थी, तुम सही दिशा में सोच रहे हो ये हमने देख लिया, यही है दुनिया में लड़ना है तो
बाहर की तो लड़ाई रहती है, लेकिन तब वो ठीक होती है जब अंदर की लड़ाई हम जीत लेते। तुकाराम महाराज संत हो गए महाराष्ट्र में, उनका एक प्रसिद्ध अभंग है, उनकी कविता को अभंग कहते हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि रात्रं दिन आंभा युद्धाचा प्रसंग, हम दिन रात लड़ाई में लगे हैं, वो संत है, हाथ में शस्त्र कभी लिया नहीं, भगवान के नाम का गायन कर रहे हैं और हाथ में वीणा है, लेकिन वो कहते हैं कि दिन रात हम लड़ाई में लगे, अंतर बाह्य जग पाणी मन, अंदर की लड़ाई और बाहर की लड़ाई, दुनिया के आकर्षणों से लड़ाई और अंदर के मोहों से लड़ाई, जग से और मन से लड़ाई करनी पड़ती। हमारा जो काम है, डॉक्टर साहब ने सबको बताया संशय को कि जो हमारी स्थिति है उसके लिए इधर उधर दोष मत देते बैठना, ये सब मुसलमानों के कारण ऐसा हो रहा है, ये सब ईसाइयों के कारण ऐसा हो रहा है, ये सब अंग्रेज सरकार के कारण हो रहा है, ये वो कर रहे हैं ये बात ठीक है, उसका प्रतिकार होना चाहिए ये भी ठीक है और अच्छे से होना चाहिए ये भी ठीक है, परंतु वो कर रहे इसलिए हमारा नुकसान नहीं हो रहा, हम गड़बड़े इसलिए वो कर पा रहे हैं, नहीं तो 500 साल अपने देश में सुल्तानों बादशाहों का राज रहा, ये कैसे लोग हैं, अरबस्तान से निकले 77 साल में मेक्सिको से साइबेरिया तक छा गए, पारसी लोगों का देश पूरा बदल दिया उन्होंने, बदल गए सब लोग, अब कोई अपने पूर्वजों का नाम लेवा वहां पर नहीं है, सब कुछ बदल गया 77 साल में। ईसाई लोगों ने 1000 साल में 4 महाद्वीपों को ईसाई बना लिया और एशिया में भी बहुत सारे ईसाई देश हैं, उनका भी 250 साल यहां राज्य रहा, लेकिन ये सब होने के बाद आज हिंदुस्तान हिंदुओं का ही देश है, इनके करने से कुछ होना रहता तो हम आज होते ही नहीं यहां पे हिंदू के नाते, तो उनकी ये ताकत नहीं है, लेकिन ऐसा सब हो रहा है इसका कारण है हमारी कुछ कमी है, उसको ठीक करो और इसलिए बनो और बनाओ, संघ में आकर स्वयंसेवक बनो, सारे समाज में सबको अपना स्वयंसेवक बनाओ, ये हम करते हैं और इसलिए आगे भी जो करना है वो ऐसे ही करना है। अब संघ बड़ा हो गया, पहले कोई जानता नहीं था संघ को, आज सब लोग जानते हैं, पहले कोई मानता नहीं था संघ को, आज सब लोग मानते हैं, जो हमारा विरोध करने वाले लोग हैं वो भी वोटों से तो विरोध करते हैं लेकिन मन से तो मानते ही हैं, पूरा नहीं मानते तो कुछ बातें मानते हैं, राजनीति चलती है इसलिए उठपटांग बातें करते हैं लेकिन मंत्र मालूम है उनको, तो यह स्थिति हमारी हो गई, इसलिए अब हम एक काम कर सकते हैं कि अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति और हिंदू समाज का संरक्षण कर हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति ये हमको करनी है, उसके प्रतिकार की व्यवस्था तो हम कर ही रहे, परंतु हिंदू समाज अच्छा पक्का सच्चा हिंदू हो, वो हिंदुत्व पर चले, वो सब हिंदुओं को अपना माने, उसके घर में, उसके परिवार में, उसके सामाजिक जीवन में, उसके अपने जीवन में आचरण हिंदुत्व का हो, ये हमने करना और समाज में ले जाना। शताब्दी तक हम अपने कार्य का विस्तार करेंगे, आपको पता है विस्तार दृढ़ीकरण, ये दो बातें हमने कही है, तो शाखा ले जाएंगे गांव गांव तक, कम से कम मंडल स्तर तक और शहरों में बस्तियों में एक शाखा चाहिए जो पूरे बस्ती को या उस मंडल के सब गांवों को संभाल सके, ऐसी शाखाएं हमको खड़ी करनी, इसका नाम है विस्तार और दृढ़ीकरण, कार्यकर्ता भी उस तरह के, फिर हम अपना संपर्क बढ़ाएंगे,
समाज की सज्जन शक्ति के साथ संपर्क रखेंगे, उसमें कुछ अपने हितैषी हैं, अपने विचार के हैं, संघ में नहीं है प्रत्यक्ष, उसमें कुछ अपने विचार के नहीं है लेकिन हमारे विरोधी भी नहीं है, अच्छे लोग हैं, उसमें कुछ लोगों को अपना विचार पसंद नहीं है लेकिन वो प्रामाणिक है निस्वार्थ बुद्धि से सेवा में लगे किसी न किसी प्रकार के, और कुछ अपने विरोधी भी होंगे, विरोध करने वाले भी होंगे लेकिन कुछ कुछ विषयों में हमारे साथ आते हैं। सब लोगों का संघ पर विश्वास है, संघ की साख पर उनका विश्वास है। इन सब लोगों को हम अपने संपर्क में रखेंगे, कुछ हमारे काम में जुड़ जाएंगे हमारे साथ, कुछ के साथ हम उनके काम में जुड़ जाएंगे, कुछ अपना स्वतंत्र अलग काम करते रहेंगे लेकिन सबकी दिशा एक रहेगी, परम वैभव ने तुम्हें तत्सरण विधायास्य धर्मस्य संरक्षण। ऐसी संचयन शक्ति का अंग्रेजी में कहते हैं नेटवर्किंग, वो हम करेंगे, उनका जागरण करेंगे, उनको सत्य स्थिति देश की बताएंगे, और ऐसे सब लोगों को एक दिशा में चलने की प्रेरणा हमसे मिली, वो चलेंगे, ये हो रहा है और करना है, पूरा करना है। और फिर तीसरी बात है कि इसके आधार पर जो विपरीत संवाद देश में चलता है, लोगों को बरगलाया जाता है, आप हिंदू नहीं हो, हिंदू नहीं हो यानी क्या, हिंदू क्या है, हिंदू होना है यानी क्या, हिंदू होना यानी विश्व का उदारतम मानव बनना, हिंदू वो है जो सबको स्वीकार करता है, हिंदू वो है जो सबके प्रति सद्भावना रखता है, और हिंदू वो भी है जो मार नहीं खाता है, पराक्रमी पूर्वजों का वंशज है लेकिन ऐसी ताकत रखने के बाद भी वो उसका दुरुपयोग नहीं करता, निरपराधों को दंडित नहीं करता, स्वयं से कोई कलह उत्पन्न नहीं करता, झगड़ा नहीं करता, चाहे जो दुष्कृता अपने शक्ति का उपयोग करता है, विद्या का उपयोग विवाद पैदा करने के लिए नहीं करता, ज्ञान देने के लिए करता है, धन का उपयोग मदमस्त होने के लिए नहीं करता है, दान देने के लिए करता है, और शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए करता है, ये जिसका शील है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु, ये जिसकी संस्कृति है वो हिंदू है। पूजा किसी की भी करता हो, भाषा कोई भी बोलता हो, किसी भी जात पात में जन्मा हो, किसी भी प्रांत का रहने वाला हो, कोई भी खान पान रीति रिवाज को मानने वाला हो, ये मूल्य जिनके है, जिनकी ये संस्कृति है, वो सब हिंदू है। लेकिन संवाद ऐसे चलता है, आपका देवी देवता अलग है, आपके रिवाज अलग है, आपका वंश अलग है, आपका ये अलग है, इसलिए आप अलग हो, दुनिया सारी विविधता में अलगाव देखती है, भारत एक है जो जानता है, इसलिए विविधता के नीचे जो एकता है उसको देखता है, उसको मालूम है कि वास्तव में विविधता नहीं प्रकार है, डाइवर्सिटी नहीं वैरायटीज है, यूनिटी की ही डाइवर्सिटी है। संवाद हम बदलेंगे, विमर्श बदलेंगे, और प्रत्यक्ष आचरण में सारी बातें आए, इसलिए पांच मुद्दे आज चुनेंगे जिनको हम लागू करेंगे। समाज में लागू करना है तो पहले अपने जीवन में होने चाहिए, वो मुद्दे मालूम है आपको। पहला है सामाजिक समरसता, अपने धर्म को हम भूल गए, अपने स्वार्थ और भेद के अधीन हो गए, और इसलिए धर्म के नाम पर बहुत बड़ा अधर्म जाति भेद का चला, छुआछूत का चला, ऊंच नीच भाव पैदा हो गए, श्रेष्ठ कनिष्ठ ऐसा हो गया, यह चित्र हमको पूरा मिटा देना है। हम संघ के स्वयंसेवक है, हम जिस कार्यक्षेत्र में रहते हैं, जितना हमारा संचार है, जितना हमारा कार्यक्षेत्र है, उसमें बाहर के लोग जितने प्रकार के हिंदुओं को मानते हैं, हम तो एक ही मानते, पूरा हिंदू समाज अखंड है, एक है, कोई भेद नहीं है,
सब व्यवहार आपस में चल सकते हैं, परंतु लोग मानते हैं, जात पात देखते हैं, भाषा देखते हैं, पूजा देखते हैं, सब देखते हैं, हम वो नहीं देखते, लेकिन लोग देखते हैं। तो हमारे कार्यक्षेत्र में जितने प्रकार हिंदुओं के विश्व मानता है, उन सब में मेरे अपने मित्र होने चाहिए। आना जाना, उठना बैठना जैसे मित्रों का चलता है, एकत्र खाना पीना, रहना, सुख दुख में दौड़ भाग करना, वैसा संबंध मेरा सब वर्गों के हिंदुओं से होगा, ऐसे मेरे मित्र होंगे। और कुटुंब के भी मित्र होते हैं, अड़ोस पड़ोस होता है, ऐसे संबंध होते हैं, एक दूसरे के यहाँ मंगल कार्य में कोई घटना घटी उसमें जाते हैं, सुख दुख में पूछताछ करते हैं, एक दूसरे को निमंत्रण करते हैं। ऐसे मेरे कुटुंब के मित्र कुटुंब भी सभी प्रकार के हिंदुओं में होंगे। यहां से शुरू करना, आगे फिर जितना बढ़ सकते बढ़िए। प्रत्येक स्वयं सेवक का अब ये प्रयास होना चाहिए, आने वाले 2 वर्षों में ये स्थिति अपनी बननी चाहिए कि सारे अपने मित्र हिंदू समाज के जितने प्रकार माने जाते उन सब प्रकारों से है, और मेरे कुटुंब के मित्र कुटुंब उन सब मित्र कुटुंबों में से है। इसलिए घर में भी अपने को समझाना पड़ेगा, समझाएंगे, तैयार करेंगे सब। और शाखा के नाते, संघ के नाते, जहां अपना समूह प्रभावी है, उसकी शक्ति है, वहां पर कम से कम मंदिर, पानी, स्मशान तो सब हिंदुओं के लिए खुला होगा। अपने आप पहले से बने हैं, ज्ञाति के स्मशान बने हैं, वो बने, ठीक है, बन गए, ठीक है, लेकिन उसमें किसी हिंदू को इस ज्ञाति का नहीं, इसलिए मना नहीं किया जाएगा। पंगड़ सबके समान हो, किसी को मना नहीं किया जाएगा। पहले से ये चलता आया तो गांव गांव में अलग अलग कुएं बने हैं, वो अलग अलग रहे, उसमें कोई नहीं, लेकिन वहां पानी सब बन सकते हैं। और मंदिर भगवान है, हिंदुओं के भगवान है, तो सारे हिंदू वहां जा सकते, दर्शन कर सकते। इसका प्रयास करना, लोगों को समझा कर, ये प्रयास करना यानी लादना नहीं है, मन बदलना चाहिए, तभी वो स्थायी होता है। नहीं तो जब तक हम हैं तब तक चलता है, हम चलेगा तो फिर से पहले जैसा हो जाता है। और इसलिए समाज का मन बदलते हुए इस परिवर्तन को लाना, ये अभी हम करें, आगे हम समाज में ले जाएंगे शताब्दी के बाद। सामाजिक समरसता एक पहलू है। दूसरा पर्यावरण की बात है। हम जानते हैं कि पर्यावरण के बारे में जो होना चाहिए, ऐसा सभी शास्त्र जगत के लोग, साइंटिफिक लोग कहते हैं, सभी बड़े बड़े नेता कहते हैं, समाज में बहुत लोग उपदेश करते हैं उसका, वास्तव में उसको वैसा देखने वाला दुनिया में केवल हिंदू विचार है, क्योंकि हिंदू की परंपरा है, वो सब जगह चैतन्य देखती है, सब जगह परंपरा देखती है। किताब को पैर लगा, कौन सी किताब है नहीं देखते हम, पैर लगा तो हम ऐसे झुककर नमस्कार करते, आदत पड़ गई, मालूम भी नहीं होगा पर्यावरण का विषय, लेकिन ये आदत पड़ गई। भूमि का वंदन करते हैं, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व, चलना पड़ता है जमीन पर, लेकिन उठते ही पैर रखने के पहले नमस्कार करते हैं, क्षमा मांगते हैं और फिर अपना व्यवहार करते हैं। सांप की पूजा करते हैं, गाय को माता मानते हैं, नदी को माता मानते हैं, पर्वतों की प्रदक्षिणा करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि यह सब चैतन्यमय है, निर्जीव कुछ नहीं है, सब में जान है और सब पवित्र है। अपवित्रता कहीं भी नहीं, अस्वच्छता हो सकती है, अपवित्रता कहीं भी नहीं। यह विचार केवल हमारा है, दुनिया में किसी का नहीं है ऐसा। और इसलिए पर्यावरण के बारे में जो जो होना चाहिए वो हमको करना है, छोटी बातों से प्रारंभ करना अपने घर में। पानी बचाओ, सिंगल यूज प्लास्टिक हटाओ और पेड़ लगाओ, घर को हरित घर बनाना, घर में हरियाली, घर के आंगन में बगीचा, और सामाजिक उपक्रमों में भी अधिक से अधिक पेड़ लगाना, अभी अपना चल रहा है एक उपक्रम यहां पे, ये हमने करना है प्रत्येक ने, हमारे घर में इसकी समझदारी उत्पन्न करना है।
तीसरा है, इसके लिए अपने परिवार को भी सिखाना पड़ेगा। दुनिया में संस्कार भ्रष्टता बहुत है, हम समाचार पढ़ते हैं बाहर देशों में बच्चे बंदूक लेके जाते स्कूल में और अपने साथ जाए को गोलियों से भून जाते। संस्कार चला गया, कोई मानवता रही नहीं। और बाहर क्या, अपने देश में भी हम देखते हैं संस्कारों में भ्रष्टता। मीडिया का जो दुरुपयोग है उसके कारण नई पीढ़ी बहुत तेजी से अपने संस्कार भूल रही और उधर जा रही। बताने वाला कोई नहीं, सबके हाथ में मोबाइल है, घर में बात नहीं होती, सब आते हैं अपना अपना मोबाइल खोल के उसी में बैठ जाते हैं, किसी का किसी से कोई संबंध नहीं रहा। परिवार यानी एक घर में रहने वाले पुरुष महिला बच्चा बच्ची इतना ही रहा, उनका कोई आपस में संबंध है, आत्मीयता है, कोई परंपरा का वहन करना है परिवार के द्वारा, वो परिवार समाज का यूनिट है सांस्कृतिक आर्थिक सब प्रकार से, ऐसी कोई बात दिखाई देती है अभी, लेकिन लुप्त तो हो रही तेजी से। और इसको समझाना हमारा अपने परिवार से शुरू होना चाहिए। इसलिए सप्ताह में एक बार निश्चित समय पर शाम को अपने घरों में सबने रहना, कार्यकर्ताओं ने भी उस दिन अपने घर में उस समय रहना, अपने श्रद्धानुसार घर में भजन पूजन हो जाए, उसके बाद घर में बनाया हुआ भोजन आनंद से करना, मीन मेघ नहीं निकालना, और फिर 2-3 घंटा गपशप करना। गपशप के 2 विषय, पहला है कि अपनी परंपरा क्या है, अपनी यानी अपने कुल की परंपरा, अपने परिवार की परंपरा, उसमें जो अच्छा है काल सुसंगत है वो हमने बचा के रखा है कि नहीं, और जो बदलना चाहिए वो बदला के जाओ। ऐसे ही अपनी देश की परंपरा है, उसमें भी जो काल सुसंगत है अच्छा है हमने बचा के रखा कि नहीं, जो बदलना चाहिए वो बदला कि नहीं, वो कैसे बदलना आवश्यक है और कैसे बचाव करना आवश्यक, इस पर चर्चा करना, नियम नहीं बताना, चर्चा करना सबने मिलकर। मोबाइल बाहर रख के आना उस समय, और उसमें से कुछ छोटे ही सहमति बनेगी, हाँ अपने घर में ये होता नहीं है ये करना चाहिए, अपने घर में ये हो रहा है उसको बाहर कर देना चाहिए, सर सबकी मिलकर सहमति बनेगी, वो लागू कर हर हफ्ते ऐसे बैठना। और दूसरा विषय होगा कि हम सब लोग अपने लिए बहुत कुछ करते हैं, रोज करते हैं, हम सब लोग अपने परिवार के लिए भी करते हैं, रोज करते हैं, क्योंकि हम ठीक है सिर सिर सलामत तो पगड़ी 50, और हम ठीक तब रहते हैं जब अपना परिवार ठीक है, लेकिन परिवार और हम दोनों जिसके कारण ठीक रहते हैं वो हमारा समाज है, उसके लिए हम रोज क्या करते हैं, कितना समय देते हैं, कितना खर्चा करते हैं, इसका विचार करके कुछ छोटे छोटे संकल्प सब लोग ले, सब लोग कुछ ना कुछ कर सकेंगे। छोटा बालक भी कम से कम अपने जन्मदिन के समय, और जिनको बुलाते नहीं घर के अंदर उनको बुला सकता है, उनके साथ नाता जोड़ सकता है, उनको आदर सम्मान पूर्वक खिला सकता है। जन्मदिन मना रहे तो केक क्यों काटना भाई, मोमबत्ती क्यों बुझाना, जन्मदिन है तो हम भगवान के यहाँ जाएंगे, दर्शन करेंगे, अपने घर में माता पिता का वर्णन करेंगे, वंदन करेंगे, दीप जलाएंगे, और फिर किसी ऐसे स्थान पर जाकर वहां हमारे सान्निध्य की, प्रेम की, स्नेह की, थोड़े बहुत दान की आवश्यकता है वो करेंगे। छोटी बात है, ऐसे छोटे छोटे संकल्प लेकर सब लोगों ने सक्रिय होना, इसको कहते हैं कुटुंब प्रबोधन। अपने घर के अंदर भाषा भूषा भजन भवन भ्रमण भोजन अपना होना चाहिए। बाहर हमको मजबूरी में क्या करना पड़ता है पता लगे, घर की चौखट के अंदर ये सब नहीं चलेगा, ये सब अपना होगा, भाषा भूषा भ्रमण भ्रमण भजन भोजन प्रबोधन। और हमारा परिवार मोहल्ले का आधार रहेगा, क्योंकि वो केवल अपने लिए नहीं जीता, वहां के व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं जीते, परिवार और अपना ख्याल तो रखते ही है लेकिन मोहल्ले का ख्याल रखते, समाज का ख्याल रखते। ये परिवर्तन अपने परिवार में और इन सारे विषयों की समझ उसमें से आनी चाहिए। और महत्व की बात है इसमें स्व का बोध, हम कौन है,
स्वदेशी से लेकर तो स्वगौरव तक सारी बातें उसका प्रबोधन होना चाहिए और उसका आचरण होना चाहिए। जो घर में बनता है वो बाहर से नहीं लाना, अगर लाना है तो उस पर रोजगार किसी का चलता है इसलिए लाना अपने आप। जो अपने देश में बनता है वो बाहर देश का नहीं खरीदता, उसके बिना काम चलाना अगर अपने देश में बनता नहीं है तो, और नहीं ऐसे चल ही नहीं सकता, जीवन आवश्यक है तो ठीक है अपने शर्तों पर खरीदेंगे, फिजूल खर्ची नहीं करना। मिक्सर बिगड़ गया और डाल दिया कूड़े में, दूसरा नया लेके आए तो भाई वो रिपेयर हो सकता है कि नहीं पहले देखो। मितव्ययिता से रहना, सादगी से रहना, वैभव का प्रदर्शन नहीं करना, शादी ब्याह में फालतू खर्चा नहीं करना, उतना खर्चा आप समाज की सेवा में लगाओ, मंगल निधि दो बचा के, ये स्वदेशी है। इसमें स्व का बोध है, स्व का बोध होता है तो अपने हम कौन, इसका बोध होता है तो हमारे कौन ही ध्यान में आता है। ये सब जो है दुखित पीड़ित लोग वो हमारे अपने हैं, हम उनकी सेवा करेंगे, उन पर उपकार नहीं है। हमारा कर्तव्य हम भूल गए थे, हम करने लगे, हमारे पापों का क्षालन है, ये भाव आता है। और आखिरी बात है नियम पालन करके चलना, नागरिक अनुशासन, नागरिकता बोध। हम इस देश के नागरिक हैं, इस देश में हमारा अपना राज्यतंत्र है, हमने चुनकर दिए हुए प्रतिनिधि है, वो मिलके नियम बनाते हैं हमारे प्रतिनिधियों के नाते, उसका पालन हमको करना चाहिए। छोटी छोटी बातें, टैक्स समय पर भरो, लाल बत्ती मत तोड़ो, आंदोलन वगैरह होते तंत्र में उसकी सुविधा है, लेकिन आंदोलन करना है तो बस के कांच नहीं फोड़ना, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट नहीं करना, जनजीवन की हानि हो ऐसे नहीं करना, अपना समाज है, उच्छृंखलता यानी आंदोलन नहीं हो। धीरे धीरे हम स्वयं ऐसा करें और अड़ोस पड़ोस में बात करके सबका स्वभाव ऐसा बनाए। ये पांच बातें हमने चुनी है अभी सब समाज में ले जाने के लिए, पहले वो हम सब स्वयंसेवकों के जीवन में आनी चाहिए, क्योंकि ये जब हम ले जाएंगे तो उसमें समाज ये नहीं देखेगा कि मोहन भागवत क्या बोल रहे, मोहन भागवत कुछ भी बोल रहे हो, समाज देखेगा कि मेरे पड़ोस में रहने वाला संघ का कार्यकर्ता वो ये सब कर रहा है कि नहीं, वो कर रहा है तो वो अनुकरण करेगा, नहीं तो सुनेगा वाह वाह बहुत अच्छी बात है ऐसा कहेगा, करेगा नहीं। हमको इसको समाज में ले जाना है, इसलिए आने वाले 1.5-2 साल में ये अपने घर का, अपने जीवन का, अपने सामाजिक क्रियाकलापों का और अपने आजीविका के क्रियाकलाप का ये चित्र बनना चाहिए। एक तरफ नित्य शाखा में आकर अपने आप को योग्य बनाते रहना, समझकर सारे कार्यक्रम करना, उसमें से जो गुण संपादन होता है वो होना चाहिए, उसके लिए उत्कृष्ट होना चाहिए हर कार्यक्रम, तो उसमें आनंद होता है, आनंद से संस्कार होता है। और दूसरी तरफ इन पांच बातों को अपने जीवन के चारों पहलुओं में लागू करते हुए इसके बारे में परिचितों से संवाद करना, ये काम हमको करना है, शताब्दी के बाद इसको समाज में ले जाना है, ये हमारे सामने आज है। सब कुछ करते समय इस विचार को मन में सदैव जागृत रखकर सजग होकर ये सारे काम करना, इसकी आवश्यकता आज है, उसके अनुसार अपनी योजनाएं बन रही है, उनको यशस्वी करना हम सबके हाथ में है, वैसा हम करें, इतना एक अनुरोध आपके सामने रखता हूं और मेरे चार शब्द समाप्त करता हूं।